अपना आदमी खो दिए आज नीलेश मुखिया दुनिया में नहीं है। हम लोग उसका बदला लेंगे, जान के बदले लंका दहन फिर होगा, तबाही मचाएगा तबाही। कोई सरकार नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन को बोरी में भर के धप्पू पप्पू गोरख पैसा देता है। पत्रकार बिमल यादव की अपराधियों के द्वारा कुछ दिन पूर्व हत्या कर दी जाती है, ऐसा आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। जो कि अररिया के बहुत वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकार थे, वही दूसरी हत्या नीलेश मुखिया यानी कि नीलेश यादव, यादव के चर्चित नेता नीलेश मुखिया की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी जाती है। कहाँ हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ए टू जेड की बात करने वाले? आप ही बोलते हैं ना कि मैं ए टू जेड को देखता हूँ, यानी कि ए टू जेड की बात आप करते हैं, ए टू जेड का आप समीकरण बनाकर चलते हैं। तो क्या ए टू जेड के समीकरण में आपका वाई का लिस्ट साइड कर दिया गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से, सुशासन बाबू यानी कि सुशासन की हुंकार भरते हैं कि लगातार अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ते जा रहा है। आप बोलते हैं कि मैं इतने अपराधियों पर सीसी एक्ट लगा दिया, इतने शराबबंदी में इतने को जेल भेज दिया, इतने बालू माफियाओं पर हमने कार्रवाई कर दिया। क्या वो अपराधियों पर कार्रवाई आप कब करेंगे साहब? जिस तरीके से बिहार में यानी कि पटना में दिन दहाड़ा अपराधियों के द्वारा, एक दिन कुछ दिन पहले सूरज मिश्रा की गोलीबारी की गई, जो कि सूरज मिश्रा भी एक समाजसेवी थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे, सूरज मिश्रा को भी कदम कुआं में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी कर दिया गया। क्योंकि मैं जाति पाति का बात करने आया नहीं हूँ, क्योंकि अपराधियों का कोई जात ना कोई पात होता है ना कोई धर्म होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूँ। अब लोग ये भी कहेंगे होम डिपार्टमेंट तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में नहीं है, ये बात मैं भी कहता हूँ, लेकिन होम डिपार्टमेंट तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में नहीं है, सरकार में तो आप हैं साहब। ए टू जेड के चक्कर में आपका वाई का लिस्ट खाली होता चला जा रहा है, तो फिर आप फिजूल की झूठ मूठ की आप लोग बात करते हैं कि वाई की सरकार है, वाई को हम लोग देखते हैं। जिस समय आप लोग बोलते हैं कि यादव एक पैर पर खड़ा हो जाए, तो आपके लिए यादव एक पैर पर खड़ा हो जाता है, आज कहाँ हैं आप? आज अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद मर्डर होती है तो आप लोग पूरा हुंकार भरने 20 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल पड़ते हैं चेक देने के लिए, 1 लाख रुपया देने के लिए, 5 लाख रुपया देने के लिए। क्या नीलेश मुखिया की हत्या आपके कान के नीचे हो गई पटना शहर में, उनके लिए आपकी कोई आवाज़ नहीं आई? अररिया में पत्रकार बिमल यादव की हत्या हो गई, उनके लिए भी आपकी कोई आवाज़ नहीं आती है? क्या आप पटना में हैं या फिर पटना से बाहर हैं या फिर विदेश में हैं या फिर वहाँ पर कोई नेट की सुविधा नहीं है या फिर मोबाइल आप नहीं देख रहे हैं? कहीं बाहर तो आप नहीं चले गए हैं? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, श्री नीतीश कुमार जी से, कि आप तो हमेशा सुशासन की हुंकार भरते हैं, हमेशा कानून की डंडा आप चलाते रहते हैं, लेकिन नीलेश मुखिया के हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बिमल यादव की हत्यारे की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? सूरज मिश्रा जो कि कदम कुआं में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई, उनकी भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? यानी कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी चरम सीमा पर है। आप लोग हाथ पर हाथ धरकर विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, 2024 में सरकार बनाने की बात करते हैं, ए टू जेड के चक्कर में आपका वाई का समीकरण साफ होते जा रहा है, कैसे सरकार बना लेंगे आप, कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे आप? एक बात और, मैं जो बात रखता हूँ बहुत फैक्ट तरीके से रखता हूँ, न मैं यादव का बात किया न मैं पासवान का बात किया, क्योंकि मुझे जो गलत लगता है मैं वही न्यूज़ बनाता हूँ। इसलिए कि सूरज मिश्रा का अभी आपने देखा होगा कि कदम कुआं में अपराधियों के द्वारा हत्या किया, गोलीबारी कर दिया गया, उनकी हत्या हुई या नहीं हुई हम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अररिया में चर्चित पत्रकार आपने देखा होगा बिमल यादव का, बिमल यादव के भाई के सरपंच भाई को कुछ दिन पूर्व अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग का सवाल ये भी होता है कि भाई भी आप तो बिल्कुल फैक्ट न्यूज़ बनाते हैं, आपने क्यों नहीं गया, क्या करें भाई, मैं क्या करूं वहां जाकर दिखाऊं कि बिमल यादव की हत्या ऐसे हुई थी, यहां पर अपराधी आए थे, यहां पर दरवाज़ा खुलवाए थे, इनके मार हो रही है, इनके पिताजी रो रहे हैं, मैं यही न्यूज़ बनाऊं? सबसे पहले बात तो वो जो गांव बिमल यादव के जो गांव के लोग हैं उनकी ज़मीर मर चुकी है, तो तबाही जैसे लोग जाकर क्या करेंगे? मीडिया वाला जाता है तो गाँव वाले भागते हैं उल्टा पाँव, यानी कि लगता है कि उन्हीं को फांसी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उस गांव में भी कुछ मिले हुए ऐसे लोग हैं, दरिंदे हैं कि बिमल यादव के हत्या में शामिल होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि मैं क्राइम सीन को बहुत ज़्यादा देखता हूं। तो बिमल यादव को तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला, 1 सप्ताह हो गए,
अब नीलेश यादव यहाँ पर नीलेश मुखिया की जो हत्या हुई है कुर्जी मोड़ पर, ये बहुत ही भयावह तरीके से की गई है। यानी कि सरकार पस्त हैं, अपराधी मस्त हैं। आपकी पुलिस कहाँ है, आपकी पुलिसिंग सुरक्षा कहाँ है? पुलिस वाले आपके बालू के पैसा तसीलने में बिजी हो गए हैं, कोई दारू का पैसा तसील रहा है। कुछ दिन पूर्व भी एक कटिहार में शायद किसी जगह एक दरोगा की अपराधियों के द्वारा जो किया गया है, जो कि आँख में उनकी गोली मारी गई है, उस पर भी आपकी कोई बयान नहीं आती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। चलिए, आपका बयान नहीं आना चाहिए, मैं जानता हूँ आप बिजी होंगे, काम में हो, या फिर आपको लोग जातिवादी कहने लगे, लेकिन सर अपने प्रशासन को आप मुस्तैद क्यों नहीं कर रहे हैं? जब से आप नीतीश कुमार जी के सरकार में, आप लोग गठबंधन में सरकार बनाए हैं, तब से हमेशा यादव पर अत्याचार हो रहा है। कभी मोहना ठाकुर जैसे दुर्दांत अपराधी वहाँ पर कटिहार में अपराधियों के द्वारा मिलकर संगठन बनाकर सात यादव की हत्या कर डालता है। क्या इस पर भी सब कुछ चुप रहे तो अच्छा लगेगा आपको? तो मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाला समय में बिहार के मुख्यमंत्री आप बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, युवा चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने, सभी युवा आपके साथ है, सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करें कि ए टू जेड के चक्कर में सिर्फ वाई को ही निकाल दें, लिस्ट से बाहर कर दें, क्योंकि ए टू जेड के चक्कर में जहाँ भी अत्याचार सुना जाता है तो सिर्फ यादव का ही सुना जाता है, सिर्फ यादव पर ही अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा क्यों, यादव आपको वोट नहीं देते हैं क्या? यादव आपको सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? ये तो हम कहेंगे तो शायद गुनाह हो जाएगी, लेकिन आपको तो मालूम है ना कि यादव भी आपके चाहने वाले, आपके कट्टर फैन और आपके कट्टर चहेते यादव होते हैं। वो बैकवर्ड समाज होता है, वो दलित समाज होता है, वो पासवान समाज होता है, चाहे रविदास समाज होता है, जितने भी। हालांकि मैं भी जो बात बोलता हूँ बिल्कुल फैक्ट बोलता हूँ, इसलिए कि इसमें ना मैं कोई जाति पाति की बात किया, ना कोई भेदभाव की बात किया। सूरज मिश्रा का भी नाम हमने इसलिए लिया कि सूरज मिश्रा पर भी अपराधियों के द्वारा ये किया गया है, जो घटना को, जो कि सूरज मिश्रा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, वो भी पीएमसीएफ में जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो साहब, नीलेश मुखिया के हथियारों को जल्द से जल्द आप गिरफ्तार करवाएं, बिमल यादव के हथियारों को गिरफ्तार जल्द से जल्द करवाएं, नहीं तो आप पर हमेशा उंगलियां उठते रहेगी। अब बिहार में एक बात कहा जाता है कि जंगल राज आ गया है, चाहे जंगल राज टू लोग बोलते हैं, तो अभी दिन नहीं दूर होगी कि इस बार भी जंगल राज के नारे आपके लगाने लोग शुरू कर देंगे। मैं सरकार से, बिहार सरकार से, सीएम नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहूँगा कि वैसे जो भी अपराधी छुपे हुए हैं, चाहे चूहा के बिल में छुपे हुए हैं, प्रशासन को आप गाइड कीजिए, प्रशासन को टाइट कीजिए। आपके प्रशासन थोड़ा ढीली नज़र पड़ रही है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ कि पटना में कुर्जी मोड़ यानी कि पौस इलाके में अपराधियों के द्वारा, नीलेश मुखिया की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, बिल्कुल अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। तो मन अगर आप लोग नहीं घटाएंगे तो आने वाले समय में आप लोगों को भी जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, आपका मन खुद जनता घटा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भाई छोटू तवाही।